हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर वाचर के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि फायर वाचर यानी कि होता क्या है, उसकी क्या डिफिनेशन होती है और फायर वाचर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर वाचर यानी कि होता क्या है। तो फायर वाचर, जिसे हम फायर वॉच भी कहते हैं, यानी कि जिसका काम होता है फायर को वॉच करना। अब जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फायर वाचर यानी कि एक ऐसा वर्कर होता है जो बाकायदा ट्रेन होता है, जिसे असाइन किया जाता है ऐसे एरिया में जहां पर हॉट वर्क का काम होता हो, और वहां पर उस हॉट वर्क को उसको एविडेंस करना होता है, उसको देखना होता है कि वहां पर कोई एक्सीडेंटल फायर हो तो नहीं रही है। तो ये देखने का जो काम है ये फायर वाचर का होता है। चलिए अब हम इसे और एक डेफिनेशन से समझते हैं। तो फायर वॉच एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोवाइड करता है एरियाज के सर्वेलेंस को, जहां पर भी हॉट वर्क का काम होता हो, जैसे कि वेल्डिंग का काम हो या फिर कटिंग का काम हो, जो टॉर्चेस के जरिए किया जाता हो। तो ऐसे जो हॉट वर्क का जो एरिया होता है उसको सर्वेलेंस करने का जो काम है वो फायर वॉच का होता है। फायर वॉच जो वर्कर है वो वेल्डिंग टीम का पार्ट भी हो सकता है, और उसे ये मेक श्योर करना होता है कि जो भी वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहे हो या फिर कटिंग ऑपरेशन हो रहे हो, तो उससे जो भी सुलगती हुई जो आग है वो वहाँ पर क्रिएट ना हो, वो उसे मेक श्योर करना होता है। अब मेन जॉब जो है वो फायर वॉचर का वो ये होता है कि उसे जो है इन केस एनी इमरजेंसी में जो है अलार्म को साउंड करना होता है, यानी कि अलार्म को रेज करना होता है, ताकि जो भी फायर फाइटर्स है उसे वहाँ पर लाया जा सके। फायर वॉचर जो है वो फायर को कंट्रोल करने के लिए अटेम्प कर सकता है, लेकिन ये इसका प्राइमरी रोल नहीं होता है कि फ्लेम के साथ जो है उसको फाइट करना हो, लेकिन सिंपली उसे ये देखना होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स है उन लोगों को वो अलर्ट कर सके, ताकि वो जो प्रोफेशनल पर्सन्स है वो वहाँ पर आकर वो जो आग है उसको टेक केयर कर सके। और अगर स्मॉल टाइप की फायर हो जो फायर एक्सटिंग्विशर से अगर बुझा जा सकती हो, तो वो अगर बुझाने में अगर सक्षम है, ट्रेन है, तो उस आग को बुझा भी सकता है। जो भी फायर वॉचर है या फिर फायर वॉच है उसकी जो पोजीशंस है, तो उस पोजीशंस के अलावा वो दूसरा कोई भी काम जो है या फिर टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फायर वॉचर की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी हॉटवर्क वहां पर चल रहा है, जहां पर जो भी हजार्डस कंडीशंस है, तो वहां पर उसको वॉच करने का जो है वो प्राइमरी उसका काम होता है, और वो हॉटवर्क को वहां पर स्टॉप भी कर सकता है इन केस अगर पोटेंशियल फायर हजार्ड वहां पर डेवलप होती है तो। फिर उसके बाद है कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशिंग जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर फायर ब्लैंकेट हो गया, तो वो वहाँ पर उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो जो फायर वाचर है वो वेल ट्रेन होना चाहिए, ताकि उसको इसका जो कैसे इस्तेमाल करना है वो उसको आना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फायर वॉचर जो है वो फैमिलियर होना चाहिए फैसिलिटीज से, और जो भी अगर इन केस अगर वहाँ पर फायर होता है तो उस केस में अलार्म को कैसे रेज करना है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो भी उसको पता होना चाहिए, ताकि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसको वो नोटिफाई कर सके। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी परमिट में जो भी कंडीशंस दिए गए हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो वहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उन सबको मेंटेन करने का भी रिलेटेड टू फायर, वो भी फायर वाचर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी इंटायर वर्क एरिया है जहाँ पर भी हॉट वर्क का काम चल रहा है, तो उसको इंस्पेक्ट करने का जो काम है वो फायर वाचर का होता है, और वहाँ पर उसको ये देखना होता है कि कोई पोटेंशियल जो फ्लेमेबल वेपर्स हो या फिर लिक्विड्स हो, वो कहीं वहाँ पर रिलीज तो नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पर उसको देखना है। तो वो उसको हर एक जो शिफ्ट होती है उसके पहले भी देखना है, उस शिफ्ट के दौरान भी देखना है, और उस शिफ्ट के ख़त्म हो जाने के बाद भी देखना है। यानी कि आप कह सकते हो कि काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम के बाद भी जो है उसको वहाँ पर इंस्पेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी फायर प्रूफ्स शील्ड हो या फिर ब्लैंकेट हो, वो वहाँ पर प्लेस में होने चाहिए या फिर वहाँ पर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब तक हॉटवर्क का काम चल रहा है, यानी कि जो जॉब है वहाँ पर चल रहा है, तब तक जो है फायर वॉचर को उस जॉब साइट को छोड़ना नहीं है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जॉब खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर उसको उस जॉब पर 30 मिनट्स जो है वहाँ पर कांस्टेंट जो है वहाँ पर रहना है और वॉच करना है, और उस 30 मिनट्स में उसमें उसको ये देखना होता है कि कहीं पर आग लगी तो नहीं है, या फिर ऐसी वहाँ पर कोई हिडन जो है आग तो नहीं लगी है जो छोटी आग को बड़ी आग कर सके।
तो इसको वॉच करने के लिए जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद भी जो है 30 मिनट्स तक फायर वॉचर को वहां पर कांस्टेंट जो है वहां पर अटेंडेंट बनकर वहां पर रहना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर वॉच यानी कि फायर वॉचर यानी कि क्या होता है और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।